और अब बात करते हैं सतना की, जहां जॉर्जिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में 7 अगस्त को तिरंगे के साथ एक युवती बीच टेबल पर खड़ी थी और गले में गोल्ड मेडल था। वोलाडो सतना जिले के रामपुर करही गांव की गीतांजलि थी, जिसने वुशु स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। गीतांजलि बुधवार को सतना पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने गीतांजलि का भव्य स्वागत किया और भारत माता के जयकारे लगाए। सांसद गणेश सिंह ने भी गीतांजलि की अगुवाई की और सम्मान के साथ साथ हौसला अफजाई की। सतना पहुंची गीतांजलि अपने माता पिता को देख कर उसकी आंखें भर आई। गीतांजलि महज 7वीं कक्षा से ही माता पिता से दूर हो गई और वुशु स्पर्धा की कोचिंग करने लगी। कई राष्ट्रीय स्पर्धा जीती और अब अंतर्राष्ट्रीय गेम जीत कर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। गीतांजलि की माने तो वो पल उनके लिए यादगार है जब तिरंगा सामने लहरा रहा था और एक तिरंगा उनके बदन में था और राष्ट्रगान बज रहा था। वो पल उनके लिए हमेशा यादगार रहेंगे और अब गीतांजलि एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी है। आपको बता दें कि गीतांजलि 3 बहन और 2 भाई हैं। पिता विनोद त्रिपाठी सीधी में पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर पदस्थ हैं। महज 12 साल की आयु में घर से बाहर गई और नतीजा आज न केवल माँ बाप का बल्कि देश का नाम रोशन किया है। गीतांजलि अब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल के लक्ष्य निर्धारित किया है। बेटी की सफलता पर माता पिता खुशी से भावुक हैं। उनकी माने तो बेटियों की जगह 4 दीवारी नहीं बल्कि बाहर भी है, बस उन्हें मौका देने और विश्वास करने की जरूरत है। गीतांजलि की सफलता पर पूरा सतना जिला गर्व महसूस कर रहा है। जिले की लाडो ने विश्व पटल पर सतना का मान बढ़ाया है। सांसद गणेश सिंह की माने तो ये जिले के गर्व की बात है। बहरहाल गीतांजलि एसएससी में नौकरी कर रही हैं और खेल कोटे में है। इसी कोटे से वो देश विदेश में खेल रही हैं और अपनी निर्धारित मंजिल हासिल कर रही हैं। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। नॉकआउट होता है कि नहीं होता है? नॉकआउट भी होता है।